कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी कार्यालय के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश किए हैं। इससे 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों पर विपरीत असर पड़ा है। एलआईसी 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जेपीसी के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से निष्पक्ष जाँच की जाए। इसके साथ ही एलआईसी एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा कर निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अंकित भाई हाथ नीचे। सत्ताओं को ये सरकार बेचना चाहती है और पूरे उसका देश में विरोध हुआ और एलआईसी के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उसका विरोध किया, तो ये बेच तो नहीं पाए। लेकिन उसका पैसा ये जो है पूरा इन्होंने इन उद्योगपतियों को दे दिया, जिन उद्योगपतियों को कोविड काल से पहले हिंदुस्तान के खाके में भी जो पूंजीपति नहीं माने जाते थे, वो आज दुनिया के दूसरे तीसरे शेड बन गए सिर्फ ये कोविड काल। हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालय महानगर मुख्यालयों में आज जो केंद्र है, ये जो हमारे पूंजीपतियों पर जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम है, चाहे वो स्टेट बैंक है, इस तरीके की जो हमारी जो देश की धरोहर जो कंपनियां जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ताओं का जिसे कहते हैं कि यहाँ पर उसमें अपना जिसे कहते हैं भुगतान वो करते हैं, विश्वास करते हैं।